हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, DSSP हो, या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार के शिक्षकों की बात करें, या फिर किसी भी स्टेट की बात करें जिन्होंने बीएड जो है किया है और प्राइमरी में यानी कि एज अ PRT टीचर जो है उन्होंने ज्वाइन करा है, उनके लिए जो है दुखद खबर आ चुकी है। क्या क्या बातें हैं आपको क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ना किसी इधर उधर न्यूज़पेपर की बात करेंगे, फैक्चुअल बात करेंगे, ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे जहां से ये बातें सामने आई है। अब क्या होगा, यहां से आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बीएड वर्सेस बीटीसी बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। देखिए अभी एक्चुअली हुआ क्या है ना, मैं आपको टाइमलाइन समझा देता हूं, आसान भाषा में जो है खबरों को समझा देता हूं। 11 अगस्त के दिन या 12 अगस्त ऐसा समझ लो आप, इसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब जो है बीएड इज नो लॉन्गर बीएड एस्पिरेंट आर नॉट नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर अ पीआरटी, पीआरटी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद देखिए क्या हुआ ना कि बीएड और बीटीसी का मामला जो है पूरे सोशल मीडिया पे पट गया। लोग बीएड वाले को भरा बुरा कह रहे थे कि ये ज़्यादा एलिजिबल हैं वगैरह वगैरह। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन बीएड पे टारगेट की जाने लगी और लोगों ने बीटीसी वाले को भी टारगेट किया कि भैया तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है, तुम कम ही बोलो, ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार के द्वारा जो बातें सामने आती है ऑफिशियल लेटर में, हम सभी को मानना होगा। डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात कहने का हक है, आप इसे रख भी सकते हो, बिल्कुल वायलेशन नहीं। संसदीय भाषा का आप जो है पालन कीजिए और चीज़ों को सामने रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए, सारी चीज़ें जायज होती है। लेकिन ये वीडियो बनाने का तुक क्या है, देखिए कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे आप समझ लो कि जिन्होंने बीएड भी कर लिया है ना, उनके लिए जो है बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। ऐसा क्यों, मैं आपको ऑफिशियल लेटर भी दिखाऊंगा और सारी बातें समझाऊंगा। पहली बात जान लीजिए कि अभी एज ऑफ नाउ बिहार में जो के पाठक हैं, इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और बीएड को जो है एलिजिबल को लेकर जो भी कानूनी दाव पेंच है ये लगा रहे हैं ताकि बीएड वाले को पीआरटी के लिए एलिजिबल किया जाए। होगा या नहीं होगा इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, कोई राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी आपको, हम सभी को जो है मानना होगा, सर माथे पर ये निर्णय आएगा। पहली बात, नो क्लिक बेट। सेकेंडली, अब देखिए फिलहाल जो NCTE है, आपको पता है कि सबसे बड़ी संस्थान है, इन्होंने ही बीएड को जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल करार दिया था, अब इन्होंने ही जो है बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। अब देखिए इसके बाद एक और नई डेवलपमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखो आप, 27/9/2023 को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, देखिए ये सिर्फ चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं लेकिन और जगहों से भी आपको ये कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। इसमें देखिए कुछ लोगों के नाम है, टोटल 18 नाम है जो पीआरटी टीचर हैं। देखिए भूमिका डांगी, सुनील जी का नाम है इसमें, सुरभि बिश्नोई है, प्रियंका त्रिपाठी है, प्रीति तोमर, पूनम, दिव्या, मुकेश, ईच एंड एवरी वन, मिसेस बबीता की भी बात कर लेते हैं। इनमें जो है टोटल 18 शिक्षकों का नाम है और इनकी जो जिस स्कूलों में ये पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम भी आपको यहाँ से दिखेगा और वर्तमान नियुक्ति की तिथि भी आपको दिखेगी, ये 2019 में जो है इनको शामिल किया गया है। अब देखिए टिप्पणी क्या की गई है कि इन्होंने जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया ही नहीं है। अब देखिए दिक्कत क्या आती है ना, इनको कंफर्मेशन नहीं मिला है स्थायीकरण। देखिए जो आप अगर जॉब करते हो कहीं ना, तो एक प्रोसेस होता है, एक पीरियड होता है, उस पीरियड को अगर आप पार कर लेते हो जॉब करते हुए तो आपको जो है अस्थाई जो है नौकरी मिल जाती है। सरकार की जो भी स्कीम है, चाहे वो पेंशन हो या फिर आपको जो है रिटायरमेंट का जो पेमेंट है वो मिलने वाली बात आती है, तो वो इन लोगों को नहीं मिल पाएगा बिकॉज इनको जो है अस्थायीकरण जो है, ऐसा आप समझ लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी तक काम कर रहे थे, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अब देखिए क्या होगा कि ये जो है कोर्ट वगैरह में जाएंगे या फिर ये जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है इनको करना होगा तभी, अदरवाइज जो है इन्होंने जो जॉब किया है 2-3 साल का, जो भी ये 5 साल की जो लगभग अब समय आ चुका है, 5 साल इन्होंने जो जॉब किया है ये इनका जो है वैलिडेशन ही नहीं रहेगा। ऐसे में समस्याएं नई नई आने वाली है। लेकिन मेरा जो मैंने 2-3 सालों से अभी तक YouTube पे न्यूज़ अपडेट और अलग अलग जगहों को मैंने समझा है, सीखा है, आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अब जो बीएड स्टूडेंट हैं उनको ये मानकर चल लेना चाहिए कि TGT और PGT के लिए वो बने हुए हैं, उनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर बाय द वे मैं आपको फिर भी एक बात बता देता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच में ये फैसला आ जाए कि हाँ पीआरटी के लिए बीएड भी एलिजिबल होगा, इनको एक कोर्स वो जो 6 महीने का है वो डेफिनेटली करना होगा एग्जाम देने से पहले, तो आप जो है आपके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, आप पीआरटी भी भर लेना। लेकिन एज ऑफ नाउ देखिए स्थिति को समझना, और वो बोलते हैं ना कि अब आप जो है सबसे पहले प्रॉब्लम को एक
एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था ना कि सबसे पहले जो है आपको प्रॉब्लम को पहचानना होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि अभी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर केबी में नई भर्ती आती है तो आप वहां पे पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का आपको इंतजार करना होगा। तो ऐसे में आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए, उस पर आप जो है अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बाद में पीआरटी को एलिजिबल कर दिया जाता है बीएड वाले के लिए भी, तो फिर आप फॉर्म भर लेना। देखिए यहाँ तक वीडियो आपने देखी है, और अगर आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही है और आप मेरी हर बात से एग्री करते हो तो यस लिखिए। हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री नहीं भी करती हो तो नहीं लिखिए, बट दोनों ही केस में आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जिस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर लिख दें। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, यस या नो लिखने के बाद आप किस वजह से यस या नो लिख रहे हो, किस बात से सहमत हो वो लिख दीजिए, किस बात से असहमत हो, आपकी डिसएग्रीमेंट है वो भी जरूर लिखें, ताकि वो डेमोक्रेसी में एक बात बोली जाती है ना, संवाद है ना, कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो आपके घर में जो भी भाई बहन आपसे छोटे हैं वो इस जो है कमेंट सेक्शन को देख पाएं। इसलिए साफ सुथरा कमेंट सेक्शन बनाएं और हेल्दी डिबेट करें। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सहेलियों तक पहुंचाएं, ताकि उनको सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।